बॉलीवुड की सुपर स्टार उनीसा नमाइसी ने चोपड़ा की बनाई फिल्म चांदनी के बाद सभी की जुबा पर श्रीदेवी का नाम था। यह पहली बड़े बजट की महिला केंद्रित फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी के साथ साइडल रोल में फिल्म ऋषि कपूर और विनोद खन्ना नजर आए थे। इस फिल्म के बाद श्रीदेवी को फिल्म अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था। फीमेल अमिताभ बच्चन कही जाने वाली श्रीदेवी ने मगर बिग बी के साथ काम करने से मना कर दिया था। अमिताभ बच्चन के पास डायरेक्टर मुकुल आनंद फिल्म खुदा गवाह की स्क्रिप्ट लेकर आए थे। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म रोल के लिए श्रीदेवी का नाम सजेस्ट किया था, मगर वह श्रीदेवी जानते थे कि श्रीदेवी उनके साथ काम नहीं करेगी। श्रीदेवी को मनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने एक आइडिया निकाला था। उन्होंने श्रीदेवी के लिए सेट पर एक ट्रक भरकर गुलाब के फूल भेजे थे। समय श्रीदेवी सरोज खान के साथ गला शूट कर रही थी। अमिताभ बच्चन के सेट पर ट्रक भर कर गुलाब के फूल भेज दिए थे। श्रीदेवी को ट्रक के पास बुलाया और उन पर सारे फूल बरसा दिया। अमिताभ बच्चन का यह तरीका श्रीदेवी को काफी पसंद आया था और उन्होंने खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया था, मगर साथ में एक शर्त भी रखी थी। श्रीदेवी ने शर्त रखी थी कि इस फिल्म में डबल रोल निभाएगी। श्रीदेवी इसमें माँ और बेटी दोनों का किरदार निभाना चाहती थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म में पहली बार कोई हीरोइन डबल रोल करने का सोच रही थी। श्रीदेवी की शर्त मान ली गई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों आप भी क्या कहना चाहते हैं किसके पर, तो हमें कमेंट में ज़रूर राय दें। हमारे वीडियो पे न्यू है तो नीचे लाल बटन दबाकर